देखिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो नवजात शिशुओं में जॉइंडिस होता है, यानी पीलिया हो जाता है। तो ये पीलिया का स्तर नॉर्मल कितना होता है, या इससे ज़्यादा हो जाए तो क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं कि हमें स्तनपान कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, घर पे क्या हम उपचार कर सकते हैं, कितना जॉइंडिस का लेवल नॉर्मल है, कितना हमारे बच्चे के लिए घातक है, और हमें क्या उपचार कराना ज़रूरी है। तो इन्हीं सभी क्वेश्चनों का मैं जवाब दूंगा इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको एक बेसिक बताऊंगा, जिससे आपके वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो जॉइंडिस है, पीलिया है नवजात में। तो कोई एक सामान्य स्थिति है, बच्चों में जॉइंडिस होता ही है। रीजन इसलिए होता है कि जो बच्चों की जो खून होता है, ब्लड होता है, उसकी जो एक आरबीसी होती है, वो हमारे शरीर की आरबीसी, जो हमारे शरीर में आरबीसी है, उससे थोड़ा चेंजेस होता है। इसकी वजह से ये आरबीसी एक तो 90 दिन में ही टूटना स्टार्ट कर देती है, जबकि हमारी 120 दिन में टूटती है। दूसरा, जो एचबी हीमोग्लोबिन है, बच्चों में 18 से 20 होता है, जबकि हमारा 12 से 16 होता है। तो हमें बच्चा जन्म के बाद में 12 से 16 ही चाहिए, ज़्यादा होता है बच्चों में 18 से 20, तो इसको तोड़ के वो बिलिरुबिन के अंदर चेंज हो जाता है। अब हमारा लीवर थोड़ा एमेच्योर होता है बच्चों में, जिसकी वजह से वो जो ब्लड टूटता है उसको लीवर चेंज करके हमारे बाथरूम यानी यूरिन के अंदर और पोटी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। कभी कभी पूरा बाहर नहीं निकल पाता, इसकी वजह से ये पीलिया का रूप ले लेता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल पीलिया कितना होता है जॉइंडिस। तो नॉर्मली जो बच्चों में होता है 5 मिलीग्राम पर DL, 100 ml अगर ब्लड में देखें तो 5 मिलीग्राम क्या होता है, बिलीरुबिन होता है, वो नॉर्मल होता है। अब इसके आगे आता है तो वो बीमारी का रूप लेता है। सबसे पहले आपको लक्षण दिखाई देगा जो, ठीक है, बच्चे की जो आईज है, आईज में एक ये पार्ट दिखाई दे रहा होगा, वाइटिस वाइटिस, इसमें एक येलो येलो पार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये वाइटिस पार्ट को बोलते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा का रंग कैसा हो जाता है, पीला पड़ जाता है, ठीक है, ये पीला पड़ जाता है और आपको सबसे पहले यहां दिखाई देगा। नॉर्मली आंखों के आसपास और चेहरे के आसपास जो होता है वो लगभग 5 मिलीग्राम पर DL होता है, और हम उसको क्या मानते हैं, नॉर्मल मान लेते हैं, इतना सीरियस नहीं होता, इस तक का तो हम घर पे इलाज कर सकते हैं, इससे आगे बच्चे के लिए घातक होता है। यदि ये जॉइंटिस है आंखों से बढ़कर उसकी बच्चे की पूरी बॉडी में हो जाए, यानी हाथ पैर सब कुछ इसका येलो येलो जाए, तो ये हमारे लिए घातक है। यानी बच्चे का बिलीरुबिन, जो जो पीलिया का लेवल इतना बढ़ जाए कि वो खून से होता हुआ बच्चे के माथा यानी मस्तिष्क है, ब्रेन के अंदर चला जाए और ब्रेन को डैमेज करना स्टार्ट कर दे, उसको बोलते हैं कर्निकटर्स। तो जॉइंडिस और कर्निकटर्स में यही अंतर है कि जॉइंडिस का लेवल इतना बढ़ जाए कि जो बच्चे की ब्रेन को डैमेज करना स्टार्ट कर दे, तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं कर्निकटर्स, इसलिए इसका इलाज कराना जरूरी है। अब हम आपके सारे क्वेश्चन लेते हैं जो आपने कमेंट्स में पूछते हैं कि पीलिया कब दिखेगा और कब ठीक हो जाएगा। तो नॉर्मली मैं पीलिया के बारे में बताऊं कि जो नवजात शिशु हैं उसमें दूसरे दिन, जन्म के दूसरे दिन और तीसरे दिन या चौथे दिन से दिखाई देना स्टार्ट देगा, और नॉर्मली ये क्या होता है, लगभग 2 वीक या 3 वीक में ये नॉर्मल हो जाता है, यदि इसका लेवल नॉर्मल रहता है तो थोड़ा बहुत होता है। और यदि आप देखो कि ये बीमारी का रूप कब लेगा पीलिया, कब मानोगे आप बीमारी है, यानी आपको जन्म के दूसरे तीसरे दिन दिखाई दे तो नॉर्मल है, अगर ये पहले ही दिखाई दे, ये पहले ही दिन यानी फर्स्ट डे ही भी अगर ये दिखाई देता है तो आप समझ लेना ये बीमारी का रूप है, या ये 3 सप्ताह बाद भी यानी 21 दिन बाद, 3 या 4 सप्ताह बाद भी अगर ये पीलिया हल्का फुल्का बना रहता है तो भी आप समझ लेना ये बीमारी का रूप है, तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। यानी बिलीरुबिन का जो ब्लड के अंदर होता है वो 5 मिलीग्राम पर DL से ज्यादा हो, आप बच्चे के अंदर 5 या 7 से ज्यादा हो तो भी आप समझ जाइए, जब डॉक्टर से चेक कराएंगे आप और आप देखेंगे कि ये 5 से ज्यादा जा रहा है तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये बीमारी का रूप है। और अगर मैं बात करूं आप फिजिकली कैसे संकेत देके पहचान सकते हैं कि ये 5 है या 5 से ज्यादा है, वो भी आगे मैं बात करूंगा। और क्रिनिकर्टर्स कब बोलेंगे, यानी वो ब्रेन को डैमेज करे, 15 मिलीग्राम पर DL यानी 100 ml में अगर 15 मिलीग्राम अगर बिलीरुबिन बढ़ जाए तो वो हम समझेंगे कि हमारे ब्रेन को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है बच्चे के। वो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या पीलिया में मेरे शिशु को नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, अगर ये पीलिया का लेवल 15 से ज्यादा बढ़ जाए तो आपको मैंने बताया मस्तिष्क जो बच्चे का है मस्तिष्क डैमेज हो जाएगा और एक मंद बुद्धि वाला बच्चा हो सकता है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि किन बच्चों में ज़्यादा जोखिम रहता है पीलिया होने का या वो खतरनाक पीलिया होने का। तो जो बच्चा जन्म से यानी जो 9 महीने पहले जन्मे यानी प्रीटर्म बच्चा हो या 37 वीक से पहले ही जन्म जाए,
ठीक है, जो बच्चा अच्छी तरह से दूध नहीं पीता, इसका मतलब आपको दूध पिलाना आवश्यक है। एक जन्मजात बीमारी भी होती है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रेनेज एंजाइम। इसकी कमी की वजह से क्या भी पीलिया हो जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, लीवर के अंदर पाया जाता है और जो हमारे ब्लड में आरबीसी टूटती है उसको चेंज करके, पीलिया लीवर उसको चेंज करके और बाथरूम और पोटी के द्वारा उस बिलीरुबिन को बाहर निकालता है। तो इस ये चेंज करने वाला एंजाइम नहीं होगा तो वो चेंज नहीं होगा तो बाहर नहीं निकलेगा। यानी जिन शिशुओं में ब्लड ग्रुप माँ से अलग हो, यानी जो माँ है जो आरएच नेगेटिव हो और बच्चा आरएच पॉजिटिव हो, तो इस कंडीशन में भी उनको जॉइंडिस होने का चांस ज्यादा रहता है। या जब बच्चा माँ के पेट में ही है तभी ही संक्रमण हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए कोई, इसका फर्स्ट साइन ये है कि जो बच्चा जन्मेगा, जन्मते समय ही जो फर्स्ट पहला दिन होगा उसी दिन आपको पीलिया दिखाई देगा। उसकी जो आंखों की स्क्लेरा है वाइटिस वाइटिस की जगह येलो येलो दिखाई देगी, यानी पीली पीली दिखाई देगी। तो आप समझ जाना कि फर्स्ट डे ये बीमारी का रूप है, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है। आपको सिम्टम्स यानी क्या क्या संकेत देखने को मिलेंगे, देखो उसकी जो स्क्लेरा है, सबसे पहले जो आईज की स्क्लेरा है मैंने दिखाया वो येलो कलर की दिखाई देगी। धीरे धीरे फेस येलो होता जाएगा बच्चे का, ठीक है, नींद नहीं आएगी बच्चे को, दूध अच्छे से पिएगा नहीं, उसका यूरिन ब्राउन कलर का होता जाएगा, पोटी भी वाइटिस होती जाएगी, फीवर आ जाएगा बच्चों को, हाई पिच जोर जोर से बच्चा रोएगा, वोमिटिंग भी हो सकती है। देखो आपको लगे कि यदि मेरे बच्चे को शिशु को पीलिया हो जाए तो मैं क्या करूं, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको एक टेस्ट कराना चाहिए। ये एक बाहर से ही टेस्ट कर देते हैं, ठीक है, एक मशीन आती है बाहर से ही ऐसे रख के टेस्ट करते हैं, और ये टेस्ट करेंगे तो बता देगा कि इसमें बिलीरुबिन का लेवल कितना है, तो उससे पता चल जाएगा इसके शरीर में कितना बिलीरुबिन है, यानी कितना पीलिया है, तो उपचार की आवश्यकता है या नॉर्मल है। पीलिया का बच्चे से देख के भी हम पता लगा सकते हैं। देखो अगर बच्चे का सिर पे और उसके माउथ पे आईज पे है तो लगभग वो नॉर्मल है, 5 मिलीग्राम परसेंटेज, यानी 100 ml में 5 मिलीग्राम, तो परसेंटेज भी इक्वल है। इसको बोलते हैं जोन फर्स्ट, हमारे लिए सेफ है। अगर इतना ही बच्चे को जॉइंटिस है तो घर पे ऑलरेडी ठीक हो जाता है नॉर्मल में। अगर ये छाती तक पहुंच जाए, देखो चेहरे पे तो होगा ही, अब ये छाती तक भी पहुंच जाए तो बच्चे को सोचना 10 मिलीग्राम पर DL हो गया, तो यहाँ लगभग हमें सूचना मिलती है कि इसको इलाज की जरूरत है। फिर इसके एब्डोमिनल पे जो बच्चे के कुल्ले हैं, ठीक है, ग्रोइन एरिया है, इसको जोन 3 बोलते हैं, यहाँ तक पहुँच जाएगा तो हम समझ जाएंगे ये 12 मिलीग्राम पर तक पहुँच चुका है। अब यहाँ फोटोथेरेपी की आवश्यकता है, हॉस्पिटल में जाके एडमिट करा के बच्चे को फोटोथेरेपी कराने की जरूरत है। अगर ये बच्चों के पैर तक पहुँच जाए पीला पीलापन और ये हाथों तक पहुँच जाए तो आप समझ लेना कि ये क्या आता है, बीमारी का रूप है, या तो इन्फेक्शन की वजह से है, ठीक है, और फर्स्ट डे ही दिखाई देना स्टार्ट कर देगा, यानी भयंकर रूप है ये जॉइंटिस का, इसकी वजह से बच्चे में यहाँ, अब ये सोचो कि बाहरी स्किन के बजाय ये ब्रेन तक भी पहुंचना स्टार्ट कर रहा है और डैमेज कर सकता है। तो आप देखें कि बच्चे के हाथ पैर के भी पीले दिखाई दे रहे हैं तो आप तुरंत जाएं हॉस्पिटल में और एडमिट कराएं और फोटोथेरेपी कराएं, और यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता है तो डॉक्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करता है। तो अगर बच्चे को जॉइंटिस लगे, आपको नॉर्मल लगे, तो पर्याप्त दूध पिलाएं बच्चे को, डिहाइड्रेशन से बचाएं। मैं जो बोल रहा हूँ वो सब लिखित में भी है, ये आप पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है, क्या पीलिया में कोई उपचार की आवश्यकता है, तो बिल्कुल उपचार की आवश्यकता है। अब डिपेंड करता है कि पीलिया का लेवल कितना है, ठीक है, फिर भी आपको लगे तो आप एक बार डॉक्टर से सलाह ले लें, दिखा लें, उसमें कुछ नहीं जाता। अगर ज़्यादा होगा तो डॉक्टर आपको बता देगा उपचार की आवश्यकता है, नहीं होगा तो आप घर पे रह के उसको आपको बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाना है, और घर पे कुछ उपचार के हैं जो भी मैं आपको बताऊंगा वो आप कर सकते हैं। अगर पीलिया का जो बिलीरुबिन लेवल 12 mg/dL से ज़्यादा बढ़ता है तो एक मशीन आती है और इस मशीन के नीचे लिटा दिया जाता है बच्चे को, और एक फोटोथेरेपी होती है जिसमें ब्लू ब्लू लाइट निकलती है, इसका 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस होता है। तो घर पे भी आकर अगर एक लाइट आती है वो यूज करोगे तो 45 सेंटीमीटर दूर रखे बच्चे से, वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो ये ब्लू लाइट डालते हैं और ये क्या होता है, वो बिलीरुबिन को तोड़ता है और बाथरूम और पोटी के द्वारा बाहर निकालता है। इस दौरान भी मशीन के ऊपर होने के कारण भी आपको बच्चे को ज्यादा से ज्यादा दूध पिलाना है। बच्चे की आंखें ढकी हुई होनी चाहिए, इस बच्चे की टाइम टू टाइम पोजीशन चेंज करें और ज्यादा से ज्यादा टाइम टू टाइम इसको दूध पिलाएं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या धूप सेकना पीलिया को कम करने में मदद करता है? देखो धूप सेकना कोई इलाज नहीं है, बस थोड़ी सी हेल्प करता है, पर ये कब करना चाहिए मैं आपको बताऊं, जब 5 mg/dL हो, एक बार हॉस्पिटल जाके टेस्ट करा ले, 5 से कम हो तो आप घर पे धूप सेक सकते हो, वो भी हल्की धूप सेक सकते हो। और एक लाइट आती है जो ब्लू लाइट आती है, ये अमेजन पे अवेलेबल है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ये ब्लू लाइट आप खरीद सकते हैं।
अब आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराएं, ये 5 से 7 8 तक ही है मिलीग्राम, तब तो आप घर पे उपचार कर सकते हैं। अगर ये 10 12 जा रहा है तो आई थिंक आपको हॉस्पिटल जाके ही उपचार करवाना चाहिए। तो ये 45 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना आवश्यक है और ये ब्लू लाइट डालते हैं। बच्चे की आंखें ढके रखें जिससे इरिटेबल नहीं हो, और बच्चे की आंखें ढकी हुई होनी चाहिए आप जब ये भी ब्लू लाइट डाल रहे हैं तब। यदि मेरे शिशु को पी लिया है, आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो क्या मैं अपने शिशु को स्तनपान करा सकता हूँ? तो बिल्कुल आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्तनपान कराना है, हाँ है। और आप ध्यान रखें, बच्चा पर्याप्त टाइम टू टाइम बाथरूम कर रहा है नहीं कर रहा, आप ये भी ध्यान रखें, दिन में 2 बार कर रहा है या 4 बार कर रहा है, बाथरूम कितनी बार कर रहा है, जितने ज़्यादा करेगा उतना ही बाहर निकलेगा। दूसरा आपको ये भी रहेगा, बाथरूम टाइम टू टाइम कर रहा है तो इसका मतलब डिहाइड्रेशन नहीं है बच्चा, इसकी वजह से भी पीलिया कम होता है। डिहाइड्रेशन बच्चा नहीं होना चाहिए, डिहाइड्रेशन होगा तो पीलिया बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं ब्रेस्ट मिल्क पीलिया। कई बार दूध पिलाने की वजह से भी पीलिया लंबे समय तक रह सकता है, पर ये पीलिया जो होता है नॉर्मली होता है, 5 मिलीग्राम के लगभग ही होता है, और ये घातक नहीं हो सकता, ये 1 से 2 महीने तक रह सकता है पर ये घातक नहीं होता। नेक्स्ट आता है, मेरे शिशु को पीलिया ठीक नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं? मतलब आपको अगर बच्चे को पीलिया नहीं ठीक हो रहा तो आपको तुरंत जाके हॉस्पिटल जाके एडमिट कराना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लें। और अगर डॉक्टर आपके आसपास के हैं वो आपको देते हैं कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए बच्चों वालों को, तो उसको भी दिखाना चाहिए। और मोस्टली इसके लिए आप हॉस्पिटल में फोटोथेरेपी करते हैं, या फिर कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके भी ठीक करते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोनेज, इसकी वजह से भी क्या होता है, पीलिया होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा? इसका टेस्ट आपको लैब में कराना चाहिए, डॉक्टर अगर लगता है कि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रेनेज की वजह से है तो वो कराएगा, लैब टेस्ट कराएंगे और आपको बताएंगे कि किसकी वजह से है। ये वीडियो इसलिए बनाया कि कभी घर के भरोसे आप कई बार रह जाते हैं और बच्चे का ब्रेन डैमेज हो जाता है, आपको उस टाइम पता नहीं चलता। बच्चा जब 4 5 साल का हो जाता है, जब उसका दिमाग का विकास नहीं होता, पता चलता है कि पीलिया की वजह से ये सब। डॉक्टर को भी जरूर दिखाएं, डॉक्टर कहता है घर पर ठीक हो जाएगा, तो घरेलू उपाय आप कर सकते हैं, नहीं तो आप फोटोथेरेपी कराएं और डॉक्टर से टाइम टू टाइम आप सलाह लें और बच्चे को दिखाएं। और ये नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।